समाज की महिलाएं खुद बताएं, क्या पिटने के लायक हो? क्या पिटने के लायक हो? क्या पशु की भांति हो? क्या आप शूद्र हो? आप खुद निर्णय कीजिए। अगर आप ये सब हैं, तो खूब गाइए उस चौपाइयों को, मुझे घर, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा जीवन, सिर्फ हम इसमें ही सीमित हो गए हैं। अगर यही सारी बातें संत गाड़गे महाराज जी और बाबा साहब ने सोची होती, तो मैं गारंटी से कहती कि ना तो आज मैं इस महाराज के अनुयायी है, संत गाड़गे महाराज जी के अनुयायी है। तो साथियों, हमें पहले चीजों को जानना पड़ेगा, अच्छे से उनका चिंतन मनन करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि के आधार पर तर्क वितर्क करना पड़ेगा। और जो चीज हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, तीन गुरु बताते थे कि मेरा पहला गुरु है तथागत बुद्ध, दूसरे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और तीसरे कबीर। लेकिन जब परम पूज्य बाबा साहब संत गाड़गे जी से मिले, तो उन्होंने की लिस्ट में एक की जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने इन रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ आंदोलन चलाए। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से साथियों को जूते मार रहे हैं। समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचेता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए, बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब माननीय काशी राम जी को नमन करते हुए, और इस समाज में एक शिक्षा की अलग जगाने वाले संत गाड़गे महाराज जी को नमन करते हुए, और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महान पुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए, और आज के इस कार्यक्रम में आए मंच पर आसीन मेरे सभी बुद्धिजीवी साथियों आप सभी को, और इस प्रांगण में बैठे सभी मेरी मातृशक्ति भाइयों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अपनी बात की शुरुआत करने से पहले इतना जरूर कहना चाहूंगी कि एशन विद्या न तपो न दानम, एशन विद्या न तपो न दानम, ज्ञान न शीलम, गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात आज के समय में जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, वो इस पृथ्वी पर घूमते तो हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में पशु की भांति विचरण करते हैं। साथियों, हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है, क्योंकि नांगलोई की इस पावन धरा पर संत गाड़गे महाराज जी की जो जयंती मनाई जा रही है, वो पहली बार नहीं, बल्कि जैसा कि माथुर जी ने बताया है कि लगातार 8 साल से वो संत गाड़गे महाराज जी की जयंती भी मनाते हैं, उनका परिनिर्वाण दिवस भी मनाते हैं। तो ऐसे जागरूक साथियों को दिल से सलाम करने का मन करता है, क्योंकि आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने महान पुरुषों की विचारधारा को नहीं जानते। विचारधारा की तो बात बहुत दूर की है, वो अपने महान पुरुषों को नहीं जानते। एक छोटी सी घटना है आज की, 2 घंटे पहले के, उसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी, उसके बाद में मैं अपनी बातों को रखूंगी। हमारे पड़ोस में मंगोलपुरी में एक बहुत ही बुजुर्ग साथी रहते हैं, पढ़े लिखे अच्छी जॉब पर हैं, और वो धोबी समाज से आते हैं। मैंने उनसे पूछा, अंकल जी आपको पता है आज क्या है? तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई खास विशेष दिन। मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और आपके ही समाज में जन्मे एक ऐसे महान पुरुष की जयंती है, जिनके संघर्ष, समर्पण, बलिदान के कारण आज आप ये सूट बूट पहन पा रहे हो, अच्छी कोठी में रह पा रहे हो, आपके बच्चे लग्जरी गाड़ियों में चल पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। फिर मैंने उनको बताया कि आज संत गाड़गे महाराज जी की 145वीं जन्मतिथि है। तो मैं क्या करूं, है तो दुख होता है कई बार सुनकर कि इस तरह के पढ़े लिखे लोग भी आज ये कहते कि मैं क्या करूं। तो साथियों, सोचने वाली बात यह है कि आज हमारा बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका भी हमारे महान पुरुषों को नहीं जान पा रहा है। जैसा कि अभी आप सबको पता है कि संत गाड़गे महाराज जी का जन्म 23 फरवरी सन 1876 में महाराष्ट्र के अमरावती में एक ऐसे परिवार में हुआ जो कि बहुत ही साधारण परिवार था, लेकिन जिस जिस तरह से उनका जीवन बढ़ा और आगे चला, और उसी के उद्देश्य से एक जो तर्क शक्ति है वो संत गाड़गे जी के जीवन में आई, और उन्होंने छोटी छोटी चीजों पर चिंतन मनन करना शुरू किया। और जब चिंतन मनन शुरू किया, तो साथ ही वो एक अच्छी दिशा लेकर इस समाज में निकल पड़े, और जिस कारण वो जाने गए, सबसे पहला कारण है शिक्षा का कारण। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया, भले वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शिक्षा की जो अलख उन्होंने जगाई, आज जो समाज ये इतना गौरवान्वित हो पाता है, तो उन्हीं के समर्पण के कारण हो पाता है। दूसरी बात करूं मैं पाखंडवाद और अंधविश्वास की, उस अंधविश्वास पर उन्होंने इतना कुठाराघात किया
कि हर व्यक्ति को साफ साफ मना किया कि जो काम आपको करना है उसी का फल आपको मिलेगा, ना कि आपको कर्म कांड और पूजा पाठों में उलझ कर मिलेगा। और अक्सर वो बड़ी बड़ी जनसभाएं करते थे, बड़े बड़े मंचों से लोगों को संबोधित करते थे, और जहां पर भी जाते थे साथियों, वो पहले सफाई करते थे उस जगह की, तब वहां पर बैठते थे और जन जागरण के माध्यम से महिलाओं को, युवाओं को बहुत बड़े बड़े और अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। एक बार की बात है, जब बहुत सारी महिलाएं घूंघट करके बैठी थी तो संत गाड़गे जी ने कहा, क्या मेरे समाज की महिलाएं ये काणी है, यह बदसूरत है, या इनका चरित्र अच्छा नहीं है, या इन्होंने कोई ऐसा पाप किया है कि ये घूंघट धारण करके बैठी हैं। सोचने वाली बात है, जब हमारे समाज की महिला इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, सुशिक्षित है, फिर उसके बाद ये रूढ़ेवादी परंपरा घूंघट कहाँ से आती है। और घूंघट की बात चल रही है तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अक्सर सभी लोग कहते हैं, खासकर पुरुष भी कहते हैं, महिलाएं भी कहती है, कि जो घूंघट है वो इज्जत का प्रतीक है। कितने लोग ये मानते हैं कि जो घूंघट है इज्जत का प्रतीक है? एक बार हाथ खड़े कर लीजिएगा ईमानदारी से। कोई नहीं मानता? बिल्कुल गलत कह रहे हो। आपके सामने जीता जागता उदाहरण, मेरी कई महिलाएं साथी बैठी है जिनका इतना लंबा लंबा घूंघट है। अब आप खुद बताइए, क्या यह समानता का प्रतीक है? क्या यह समानता का प्रतीक है? आज हम संत गाड़गे जी की जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने इन रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ आंदोलन चलाए, लेकिन आज हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से साथियों उनको जूते मारने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में हमें पहला अधिकार समानता का दिया, लेकिन आज हम कैसी समानता स्थापित करते हैं? खुद तो हम सूट बूट पहनकर निकल लेते हैं, लेकिन जब हमारे घर की बहन बेटियों की बातें आती हैं तो इतना लंबा लंबा घूंघट आ जाता है। आखिर क्यों? और लोग फिर, मैंने कहा ना कि बात करते हैं कि ये इज्जत का प्रतीक है। साथियों, अगर घूंघट इज्जत का प्रतीक होता ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि कल से पुरुष साथी भी घूंघट कर लें, घर की इज्जत डबल हो जाएगी, अगर बात इज्जत की है तो। लेकिन हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले करवा चौथ का व्रत गया था, कितनी महिलाओं ने रखा, ईमानदारी से बता दीजिए। पुरुष साथी बताए, आपकी लंबी उम्र के लिए किस किस ने रखा? चलिए कैलाश माथुर जी के लिए तालियां बजा दीजिए, कम से कम उन्होंने तो सच बोला। अब एक बात आप खुद बताइए कि क्या एक करवा चौथ के व्रत रखने से आपके पतियों की लंबी उम्र हो जाएगी? हो जाएगी? अगर वास्तव में करवा चौथ का व्रत रखने से आपके पतियों की लंबी उम्र होती तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि मेरे देश की सरहदों पर जो मेरे जवान भाई गोलियों से मर जाते हैं, उनकी कभी लहा से कफन में बांध कर नहीं आते। इस देश में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं रहती हैं, वो कभी करवा चौथ का व्रत नहीं करती। इस देश में सिख समुदाय की महिलाएं रहती हैं, वो कभी व्रत नहीं करती। लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि रूढ़िवाद, पाखंडवाद और ये अंधविश्वास इस हिंदू धर्म में ही मिलता है। आप इस पाखंडवाद से बाहर निकलिए। और अक्सर मेरे समाज की महिलाएं जब करवा चौथ का व्रत होता है तो शाम को किसको देखती है छन्नी में से? चंदा को। अब एक सोचने वाली बात और गौर कीजिएगा कि जब शाम को चांद निकलता है तो आप छन्नी में से उसे देखती हैं, और जब कई बार आपका बच्चा रोता है तो आप बड़े गर्व से कहती हैं कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। क्या बोलती हैं? कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। एक तरफ तो आप उसको अपना भाई बनाती हैं, और दूसरी तरफ जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती हैं तो उसी भाई को, उसी चांद को आप पति के रूप में देखती हैं, तो कैसा दोहरा मापदंड? क्या इसी दिन के लिए हमारे महान पुरुषों ने इतना समर्पण किया? क्या इसी दिन के लिए हमारे महान पुरुषों ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी? क्या इसी दिन के लिए हमारे महान पुरुषों ने अपने पूरे जीवन की कुर्बानी दी? साथियों, बिल्कुल नहीं। अगर आज हमारे महान पुरुष जिंदा होते और उनके अनुयायी इस तरह का काम कर रहे होते तो मैं सच कहती हूँ वो शायद मर गए होते और शर्म से उनकी गर्दन झुक गई होती कि जिस समाज के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, समर्पण किया, इतना त्याग किया, आज वही समाज इनडायरेक्ट रूप से उन पर जूते मारने का काम कर रहा है। और एक बार की मैं बात बताती हूँ, एक बार संत गाड़गे जी एक मंच से संबोधन कर रहे थे, वहां पर बाबा साहब आए और बाबा साहब ने जब संत गाड़गे जी की बातें सुनी तो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। बाबा साहब अपने तीन गुरु बताते थे कि मेरा पहला गुरु है तथागत बुद्ध, दूसरे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले
और तीसरे कबीर। लेकिन जब परम पूज्य बाबा साहब संत गाड़गे जी से मिले तो उन्हों की लिस्ट में एक नाम और बढ़ गया, संत गाड़गे महाराज मेरे चौथे गुरु हैं। तो बाबा साहब जी ने जिनको अपना गुरु माना, जिनको अपना आदर्श माना, आज उन्हीं लोगों को हम इस तरह से अपमानित करने का काम कर रहे हैं। साथियों, अगर सही मायने में हमें अपने महान पुरुषों की विचारधारा को बढ़ाना है, उनको जन जन तक पहुंचाना है, अपने बच्चों का विकास करना है, तो सही दिशा में काम कीजिए कि जागो उठो खड़े हो जाओ, जागो उठो खड़े हो जाओ, चाहे अपने शीश कटाओ, अरे किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपनी आने वाली संतानों के लिए इन रूढ़िवादी परंपराओं से ऊपर उठ के बौद्ध धर्म अपनाओ, बौद्ध धर्म अपनाओ। साथियों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि धर्म हमारा निजी मामला है। अगर धर्म हमारा निजी मामला है या बाबा साहब का निजी मामला है तो बाबा साहब लाखों की संख्या में मंच पर चढ़कर संबोधित नहीं करते। साथियों, सन 1956 में सबको पता होगा जब परम पूज्य बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, आप सभी जानते हैं। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो पूरे 21 साल पहले से लेकर और जिस दिन धर्म ग्रहण किया उन्होंने लगातार अध्ययन किया, एक एक चीज बारीकी से उन्होंने परखी, एक एक चीज को जाना, एक एक चीज को पढ़ा। और जब उन्होंने एक निर्णय पर पहुंचे कि मेरे समाज का भला किस धर्म में हो सकता है, तो परम पूज्य बाबा साहब तथागत बुद्ध की शरण में गए। लेकिन आज हम वही अटके पड़े हैं जहाँ पर हमारे महान पुरुष हमें छोड़कर गए। आज हम लगातार वहीं पर घंटियां बजाने का काम करते हैं, जागरण करने का काम करते हैं, रात दिन हुल्लड़बाजी करते हैं, लेकिन बहुत ही दुखदायक है। तो साथियों, मैं बार बार कह रही हूँ कि जब तक हम किसी चीज को जानेंगे नहीं तब तक हम उसको मानेंगे नहीं। लेकिन आज हो क्या रहा है, पहले हम मानना शुरू कर देते हैं, जानना बहुत दूर की बात है। जानते तो हम बाद में है लेकिन पहले मानते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो वास्तव में उसको एक अंधभक्त की मैं संख्या दूंगी। क्योंकि अगर हम बाबा साहब के अनुयायी है, संत गाड़गे महाराज जी के अनुयायी है, तो साथियों हमें पहले चीजों को जानना पड़ेगा, अच्छे से उनका चिंतन मनन करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि के आधार पर तर्क वितर्क करना पड़ेगा। और जो चीज हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए फायदेमंद है, उस चीज को हमें धारण करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और साथियों, एक घटना है उसका भी जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी। बाबा संत गाड़गे जी की बड़ी इच्छा थी कि जिस दिन परम पूज्य बाबा साहब बौद्ध धर्म ग्रहण करें तो उस सभा में संत गाड़गे जी वहां पर मौजूद हो। और यही इच्छा साहू जी महाराज जी की भी थी। लेकिन विडंबना देखिए, बाबा साहब ने जगह जगह पर संदेश भिजवाए कि संत गाड़गे महाराज जी को संदेश भिजवा दीजिए कि आज मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाला हूँ। लेकिन विडंबना वो बहुत दूर थे और उन तक ये खबर पहुंची नहीं। लेकिन जब बाबा साहब ने 5-7 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उस समय संत गाड़गे महाराज जी छत्तीसगढ़ के जंगलों में विचरण कर रहे थे और वहां पर छोटे छोटे कस्बों में जाकर, छोटे छोटे गांव में जाकर शिक्षा की अलख को जगाने का काम कर रहे थे, लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, तब वहां के बहुत लोगों ने बताया कि बाबा साहब आपको पता है, उन्होंने कहा क्या, कि आज परम पूज्य बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली। तो ये बात सुनकर संत गाड़गे महाराज जी गदगद हो गए और उन्हें बहुत खुशी हुई। और जब वो वापस महाराष्ट्र आए तो साथियों अमरावती में बहुत बड़ी धर्मशाला थी संत गाड़गे महाराज जी की, उन्होंने उपहार के रूप में वो बाबा साहब को दी। और उसमें बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला, उसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी खोली और ऐसे करके उनके साथ में बहुत सारी लाइब्रेरी उन्होंने लगातार खोली, बहुत सारे अस्पताल खोले। क्योंकि संत गाड़गे महाराज जी जिस दिशा में काम कर रहे थे, जिन उद्देश्यों को लेकर काम कर रहे थे, उन्हीं उद्देश्यों को भी बाबा साहब आगे बढ़ाना चाहते थे। बहुत सारे लोग ये बातें कम जानते होंगे क्योंकि बाबा साहब और संत गाड़गे जी का संबंध है वो बहुत ही अटूट रहा है। और जब परम पूज्य बाबा साहब की मृत्यु हुई साथियों 6 दिसंबर सन 1956 को, जब उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली, उस समय भी संत गाड़गे महाराज जी वहां पर नहीं थे। और जब फिर वो महाराष्ट्र आए तो उन्हें पता चला अमरावती में कि परम पूज्य बाबा साहब का देहांत हो गया। और वो दिन था साथियों 20 दिसंबर 1956। 20 दिसंबर 1956 में सभा में बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि संत गाड़गे महाराज जी आपको पता है कि बाबा साहब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी साथियों, यकीन करना कुछ सेकंडों के अंदर संत गाड़गे महाराज जी के प्राण निकल गए। तो इस तरह की दोस्ती थी उनकी, इस तरह से एक गुरु और शिष्य का संबंध था, इस तरह से एक
अटूट संबंध था, इस तरह से एक सामाजिक संबंध था कि जो व्यक्ति उनको अपना गुरु मानता था आज उस व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए। और मात्र इनके बीच में 15 दिन का अंतर रहा, क्योंकि 6 दिसंबर को हम बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं और 20 दिसंबर को हम संत गाड़गे महाराज जी का परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। तो हमें शिक्षा लेनी होगी ऐसे गुरु शिष्यों से, हमें शिक्षा लेनी होगी ऐसे समाज सुधारकों से, हमें शिक्षा लेनी होगी ऐसे महान पुरुषों से। क्योंकि साथियों, अगर वो अपना सोचते, आज हम क्या देखते हैं कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा जीवन, सिर्फ हम इसमें ही सीमित हो गए हैं। अगर यही सारी बातें संत गाड़गे महाराज जी और बाबा साहब ने सोची होती तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि ना तो आज मैं इस मंच पर बोल रही होती, ना ही ये वक्ता पर बैठे होते और ना ही आप लोग यहाँ पर सुनने आए होते। और एक बात मैं जाते जाते जरूर कहना चाहूंगी साथियों, बात उस समय की है क्योंकि मैंने संत गाड़गे महाराज जी की इतनी बात करी, अगर मैं वहां पर बाबा साहब की बात ना करूं, उनके संघर्ष की बात ना करूं, तो कहीं ना कहीं मेरे शब्द छोटे पड़ जाएंगे। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब मुंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे और उनके पास अचानक खबर पहुंची कि बाबा साहब आपके बेटे राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार हैं। और ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब घर दौड़े आए और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। और ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलख बिलख कर रोने लगी और कहने लगी, साहेब बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए, आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है लेकिन मेरी तो आंखों के ही आंसू सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ, रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई ने फिर कहा बाबा साहब से कि साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने 3 दिन अपने बच्चों का दर्द जब सहा है जब आप यहाँ पर नहीं थे, मैंने कितनी मुश्किलों से उनको पाला है, उनके पास खाने का 2 वक्त का भी भोजन नहीं था, दवाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा साहब आपका प्रिय पुत्र आज आपकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा है तो मैं कैसे चुप हो जाऊं। तो फिर माता रमाबाई वही बात कहते हैं कि साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा रमा मेरा बेटा बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा, लेकिन साहेब आज राजरतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, तो मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर इस देश पर अब कौन राज करेगा। तो बाबा साहब फिर कहते हैं कि रमा रमा मैं इस देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला बेटा राजरतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज साथियों परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान में देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार हमें बाबा साहब इस संविधान में देकर गए। लेकिन विडंबना है कि आज मेरे समाज के लोग उस संविधान को नहीं पढ़ते, उस संविधान में लिखे हुए अपने हक अधिकारों को नहीं पढ़ते, उस संविधान में लिखे हुए जो आपके लिए सुनिश्चित बाबा साहब ने बातें की है उनको नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं तो किसको पढ़ते हैं? भगवत गीता को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, सुंदरकांड को पढ़ते हैं। और सुंदरकांड की एक चौपाई है, मैं दोहराना चाहूंगी, खासकर मेरी मातृशक्ति बैठी है इसलिए मैं बोल रही हूँ। समाज की बहुत सारी महिला जागरणों में जाती है, चौकियों में जाती है, और एक वहां पर एक चौपाई है जिसको बोलती है कि ढोल गवार पशु शूद्र और नारी ये सभी ताड़न के अधिकारी, अर्थात महिला पशु शूद्र ये सभी क्या है? पीटने के अधिकारी है। जब तक ये पिटेंगे नहीं तब तक ये कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो मेरे समाज की महिलाएं खुद बताएं, क्या पिटने के लायक हो? क्या पिटने के लायक हो? क्या पशु की भांति हो? क्या आप शूद्र हो? आप खुद निर्णय कीजिए। अगर आप ये सब हैं तो खूब गाइए उस चौपाइयों को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बाबा साहब बोलते बोलते चले गए, संत गाड़गे महाराज जी बोलते बोलते चले गए, और आज भी हम कौन सी बातें अपना रहे हैं जो हमारे महान पुरुषों ने हमें मना की। और समय का अभाव है, लेकिन अंत में मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है साथियों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।
अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा।